श्रद्धे श्री साहेब जी मूल मंगल में संसराज सदगुरु कबीर ने बीजक के शब्द प्रकरण के एक शब्द के प्रारंभ में कहा है, संतों कहो तो को पतियाई, झूठ कहत साँच बनी आई। हे संतों, यदि मैं अपनी बात कहता हूं तो मेरी बातों पर विश्वास कौन करेगा, क्योंकि बात कहते समय सुनते समय तो जान पड़ती है कि झूठी है, इसलिए लोगों को विश्वास होता नहीं। जबकि यदि उन बातों पर विचार कर लिया जाए, उनका आचरण कर लिया जाए, तो अंत में वे बातें ही सही सिद्ध होती है। संतों का अनुभव कुछ दूसरा होता है, संसारियों का अनुभव कुछ दूसरा होता है। यहां संत से मतलब है संत रहनी में चलने वाले, साधना संपन्न, वैराग्यमय जीवन जीने वाले संत। संसारी से मतलब है सामान्य बुद्धि का आदमी, या सांसारिकता में राग रंग में विषय वासनाओं में डूबा हुआ आदमी। संसारी का एक अर्थ होता है संसार में रहने वाला, तो संसार में तो संत भी रहते हैं, साधक भी रहते हैं, यहां तक जीवन मुक्त जो संत हैं वे भी संसार में ही रहते हैं। लेकिन जो साधना संपन्न है, साधना परायण है, साधना में लगे हुए हैं, वैराग्य पथ में चल रहे हैं, सामान्य रूप से उनके लिए संसारी शब्द का प्रयोग नहीं होता। संसारी शब्द का प्रयोग होता है सामान्य बुद्धि का आदमी, घर गृहस्थी मोह माया मनोविकार राग द्वेष वासनाओं में उलझा और डूबा हुआ आदमी, वो संसारी आदमी है। तो ऐसे जो संत हैं जिनका जीवन साधना परायण है, विवेक वैराग्यमय है, उनका अनुभव असामान्य, घर गृहस्थी मोह माया में डूबे हुए आदमियों का अनुभव, दोनों में अंतर तो होगा ही होगा। संत संसारियों की मनोदशा को समझ सकते हैं, क्योंकि अनादिकाल से वे भी उसी दशा में रहते हुए आए हैं। और साधना में जीवन के पूर्व काल में वे अपने मन को देख चुके हैं कि मन में कैसे कैसे उद्रेक उड़ते रहते हैं, कैसे विकार आ जाते हैं, कैसी चंचलता आ जाती है, कैसे मन भटक जाता है, इसको अच्छी तरह से देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। और इस अनुभव के आधार पर वे सामान्य लोगों के मन की जो दशा है उसका अनुमान कर सकते हैं। लेकिन संत के मनोदशा का अनुमान संसारी व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कभी वे साधना में जीवन जिए नहीं, वैराग्य त्याग
संयम में जीवन संसारियों ने जिया नहीं। और ये ढंग की बातें सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता, वे सुनते भी नहीं है। तो संतों की मनोदशा का अनुमान वे संसारी व्यक्ति कैसे कर सकते हैं? वे तो अपनी छटंकी से, अपनी मनोदशा से संतों की मनोदशा का अनुमान करेंगे। सोचते हैं कि हमारा मन राग रंग में, वासना में डूबा रहता है, उलझा रहता है, तो संतों का मन भी ऐसा उलझा रहता होगा। कैसे कोई मन को शुद्ध कर लेगा, शांत कर लेगा, एकाग्र कर लेगा? मन को कोई निर्विकार कैसे कर सकता है? मन को कोई काम वासना से निवृत्त कैसे कर सकता है? ये सामान्य लोगों का अनुभव है, क्योंकि वे साधना के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन संतों का अनुभव, चाहे वे संत किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, कैसी भी उनकी मान्यता हो, कैसे भी सिद्धांत उनका हो, उनका जीवन साधनामय, त्याग वैराग्यमय हो, तो ये त्याग वैराग्य से मन में जो शांति आती है, मन में जो स्वच्छता और निर्मलता, एकाग्रता आती है, इस सब का अनुभव एक जैसे हो। नित्य निरसय, अभी जो शब्द सुन रहे थे, ये उसी स्थिति के लिए, जितने जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त संत हैं, जो जीवन मुक्ति में जी रहे हैं, उनमें निरतिशय स्थिति एक समान। निरतिशय मतलब जहां घटी बढ़ी ना हो, ऊंची नीची ना हो, एक रास्ता समझे की गति एक है। बाहरी जो स्थिति है जानने में, समझने में, बोलने में, करने में, शरीर के रूप रंग में, भौतिक स्थिति में, धन के कम ज्यादा होने में, यहां छाती सहता एक रास्ता नहीं है। संसार के किसी भी स्थिति में एक रास्ता है ही नहीं, एक रास्ता निरतिशय स्थिति जहां घटी बढ़ी नहीं है, वह मन की शांति में, जीवन मुक्ति दशा में, क्योंकि वह भौतिक स्थिति से, भौतिक आयाम से ऊपर की दशा है। वहां सब एक समान हो गए, गुरु हैं, शिष्य हैं, दोनों की अपनी एक मर्यादा है। गुरु ऊंची जगह पर, स्वच्छ आसन पर बैठे हुए हैं, शिष्य नीचे जमीन पर बैठा हुआ है। ये दैहिक मर्यादा है, व्यवहार की मर्यादा है। लेकिन यदि मान लो गुरु और शिष्य दोनों ध्यान कर रहे हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, गुरु की भी समाधि पूरी लग गई और शिष्य की भी समाधि, दोनों की, शिष्य की समाधि लग गई, तो समाधि दशा में गुरु और शिष्य दोनों की स्थिति एक समान होगी। पारख में हम तुम है एक, सदगुरु श्री पुराण साहब ने कहा है कि पारख जो ज्ञान है, साधना की स्थिति है, जो मुद्र की स्थिति है, उसमें गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, वहां अंतर नहीं है, समान स्थिति होगी। गुरु का मोक्ष होगा, शिष्य का मोक्ष होगा, तो क्या मुक्ति में अंतर होगा? क्या घटी बढ़ी होगी? गुरु की मुक्ति की डिग्री ज्यादा होगी और शिष्य की मुक्ति की डिग्री कम होगी? ऐसा तो है नहीं, वो निरतिशय स्थिति है। यहां सदगुरु कबीर की बात नहीं कह रहा था कि संसारी लोगों का अनुभव कुछ अलग होता है और संतों का अनुभव कुछ अलग होता है। उसी के सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों कहो तो को पतियाई, झूठ कहत सांच बनी आई। संत साधना में बैठे, ध्यान समाधि में बैठे और बैठ करके मन का दृष्टा बनकर मन को देखते रहे, उसमें सत्ता नहीं दी
और धीरे 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 करते करते मन एकदम शांत हो गया, पूर्ण शांत। और शांत तब होगा मन जब निर्विकार होगा, विकार रही जब मन है वही शांत होगा। विकारों में डूबा मन शांत नहीं हो सकता, वो तो संचल ही रहेगा। तो मन निर्विकार एकदम शांत, जिसे ध्यानम निर्विषयम मनम कहा गया कि निर्विषय हो जाना मन एकदम पूरी तरह शांत। और इस स्थिति में समाधि में संत बैठे रहे आधा घंटा घंटा दो घंटा जितने देर बैठे रहे बैठे रहे। कुछ कर पश्चात ध्यान से बाहर आए, समाधि से बाहर आए और कहा भाई कि आज ऐसा ध्यान लगा, ऐसी समाधि में डूबा रहा कि मन पूरी तरह से एकदम शांत निर्विकार एकदम कुछ मामले मन है ही नहीं। तो इस बात को संतारी आदमी समझे कहेगा कि तो झूठ बात है, मन शांत होता ही नहीं है, मन निर्विकार होता ही नहीं है। संत कहते हैं कि मन निर्विकार होता है, मन एकदम शांत हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। ये बात तो संसारियों के समझने में झूठ जैसी लगेगी ना, क्योंकि वे अपना अनुभव देख रहे हैं, उनका मन हर दिन चंचल बना हुआ है, एक मिनट के लिए भी शांत नहीं होता उनका मन, कोई ना कोई विकार कोई ना कोई ऐसा होता है, शांत भी नहीं होता निर्विकार भी नहीं होता। तो संतों के अनुभव को तो वे झूठ कहेंगे, कि महात्मा लोग ऐसे कह देते हैं लोगों को बहकाने के लिए, झूठ कहर कहने बाद झूठ जैसे लगेगी, लेकिन सांच बनी आई। उस रहनी में चल करके देखो, उस दशा में उतर करके देखो तो लगे एक नहीं, जो बात झूठ जैसी लग रही थी वो झूठ नहीं, मैं ही गलत समझ रहा था, मैं उसी स्थिति में नहीं था, वो बात तो बिल्कुल सही हकीकत है। संत कहते हैं भाई कि अपने आप को विवाद से बचाओ, कलह से बचाओ, गम खा लो, क्षमा कर दो, सहन करो, सिर झुका करके चलो, विनम्र बन करके चलो, इसी में जीवन में शांति है, इसी से जीवन में आगे बढ़ सकते हो, इसी में सुख है। जो झुक करके चलता है, विनम्र होता है, दूसरों का सहन कर लेता है, गम खा लेता है, वही आदमी बड़ा होता है, वही आदमी आगे बढ़ता है, और वही आदमी घर का परिवार का समाज का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन संतों की ये बात, संतों का ये अनुभव लोगों को सुनने में, कहते समय सुनने में झूठ जैसा लगेगा। क्यों? सामान्य लोगों की ये समझ है कि गाली खा करके चुप रह जाने वाला आदमी, मार खा करके चुप रह जाने वाला आदमी, घाटा उठा करके भी चुप रह जाने वाला आदमी, किसी के क्रोध को सहन कर लेने वाला आदमी, गम खा लेने वाला आदमी कमजोर होता है, कायर होता है, छोटा होता है। कमजोर आदमी सहन करता है, कमजोर आदमी चुप रहता है। जितना हम सहेंगे, जितना हम चुप रहेंगे, उतना ही दूसरा सामने वाला हमें दबाएगा, सताएगा, हमारा नुकसान करेगा। इसलिए यह सुख से जीना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा,
सठे साठ्यम समाचरे, सठ के साथ मूर्ख के साथ सठता मूर्खता का व्यवहार करना होगा तभी वो सुधरेगा। ये लोगों की समझ है, लेकिन इनकी समझ है गलत। कमजोर आदमी सहन नहीं कर सकता, बलवान आदमी ही मनोबली आदमी ही सहन करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने से, गाली जवाब गाली से देने से गाली रुकेगी कब, झगड़ा रुकेगा कब? एक ने गाली दी, दूसरे ने गाली दी, फिर उसने गाली दी, फिर उसने गाली दी, गाली तो गाली बढ़ती गई और अंत में दोनों को गाली खा करके चुप रहना पड़ेगा। अंत में दोनों को सहन करना ही पड़ेगा, अपने मन को समझाना ही पड़ेगा। कब तक देते रहेंगे गाली? गाली नहीं दिए, गाली नहीं सहे, क्रोध में आकर के मारने पीटने लग गए दोनों के दोनों। मान लो एक ने मार दिया, दूसरा चुप रह गया, तो अब फिर कितना मारेगा वो, उसे सोचना पड़ेगा कि इसने मारा तो उसने भी मारा, तुम्हारा मारी हुई। और अंत में कहीं खून खराबा हो गया तो दोनों को रुकना पड़ेगा। अंत में दोनों लोग आएंगे छुड़ाएंगे, पुलिस वाले आएंगे छुड़ाएंगे, थाना ले जाएंगे और वहां सहन करना पड़ेगा। अंत में सहन करना ही पड़ेगा, सहन किए बिना जीवन में शांति आएगी ही नहीं। घर में ही है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया, सास ने डांट दी, बहू चुप रह गई, तब सास कहां तक डांटेगी? बहू ने कुछ कह दिया सास को, सास चुप रह गई, बहू कब तक कहेगी? ऐसे पिता पुत्र भाई भाई की बात है, गुरु शिष्य की बात है, गुरु भाई की बात है। एक आदमी ने डांटा, एक आदमी ने गलत कहा, एक आदमी ने विवाद किया, दूसरे ने सहन कर लिया, तो दूसरा कब तक करेगा? दूसरा सामने वाला सहन करेगा तो डांटने वाले भटकाने वाले गाली देने वाले को झगड़ा करने वाले को सोचना पड़ेगा कि मैंने गलत किया और उस पर विजय मिल जाएगी। अब सास ने डांट दी, बहू ने डांट दी, पिता ने डांट दी, पुत्र ने डांट दी, पति ने पत्नी ने डांट दी, मुकदमाबाजी थोड़े करोगे? सहन नहीं करेगा आदमी तो क्या करेगा? मारपीट करेगा, मुकदमाबाजी करेगा क्या? पत्नी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट थोड़ी लिखाने जाएगा, पति विरुद्ध थाने में रिपोर्ट थोड़े लिखाने जाएगा, पुत्र या पिता के विरुद्ध में थाने में रिपोर्ट लिखाने में थोड़े जाएगा, सहन तो करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि समझदार होगा तो पड़ोसियों से नाते रिश्तेदार से भी नहीं कहेगा, सोचेगा कि कहेंगे तो हमारे घर की इज्जत ही बाहर जाएगी, चुप रहना पड़ेगा। और इससे सामने वाले व्यक्ति सहन कर, सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि मैंने गलत की। तो संत जो कहते हैं कि सहन कर लेने वाला बलवान होता है, सहन कर लेने वाला शांत होता है, सहन करने वाला सुखी होता है, सहन करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता कल्याण का काम करता है, लोगों के बाहर छूट जैसी लगती है, नहीं गलत है। लेकिन वो सहन करके जब देखता है, कोई कुछ कहता रहा सहन करता गया देखा, अब तब हुआ अरे सहन करने तो सब पर विजय मिल गई, हमने सहन किया, हमारा विरोधी जो कहा जाता था वो भी चुप हो गया। तो जब सहन करते गया तब तो सामने वाले पर जो प्रभाव पड़ा उसमें लगता है नहीं, पहले मैं समझता था गलत लेकिन बात सही है। संत कहते हैं कि त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। भोग में तो दुख है, अशांति है, पीड़ा है,
तो जो भोग में डूबा व्यक्ति है उसे तो लगेगा कि बात झूठी है, वो तो समझते कि भोग में ही आनंद है। अब तक वो भोग में ही आनंद खोज रहा है, भोग में ही डूबा हुआ है आनंद पाने के लिए। उसके आनंद का स्रोत भोग में ही है। तो जब वो संत ये कहते हैं कि भोग में सुख नहीं है, भोग में तो दुख है, भोग में तो पीड़ा है, भोग ही तो सारे क्लेश और अशांति का झगड़ा का कारण है, तो भोगी आदमी इस बात को समझेगा कैसे? अगे बात तो कर रहा है, गलत कह रहा है, समझ में बात आएगी ही नहीं उसके कि त्याग में सुख, त्याग में कहां सुख होगा, त्याग में तो बड़ा कष्ट है, क्योंकि अभी तक वो त्याग के पद पर चला नहीं है और संत त्याग के पद पर चल रहे हैं। भोग के सुख को वो देख चुके हैं, भोग के संसार में लोग भोग में पड़े हुए हैं तो कितने आपाधापी में पड़े हुए हैं, कितने क्लेश में पड़े हुए हैं, देख ही रहे हैं, और त्याग के आनंद को, त्याग के शांति को भी वे देख रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि त्याग में सुख है, भोग में अशांति है, पीड़ा है। तो भोगी समझेगा कहते हैं, तो कहेगा कि झूठ है। एक भी भोगी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके मन की पीड़ा मिट चुकी हो, जिसका मन भोग भोग करके शांत हो गया। लेकिन समझ ही उल्टी है, दिशा ही गलत है, इसलिए वो भोग में आनंद मानता है। अब भोग में आनंद मानता है तो वो आनंद भी जो रखता है, आनंद नहीं है, एक आनंद का आभास है, और वह भी जो आनंद है इसलिए उसमें आनंद का अनुभव होता है कि भोग काल में मन की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है। भोग काल में मन स्थिर एकाग्र हो जाता है, उस स्थिरता और एकाग्रता के कारण उस भोग में आनंद का आभास होता है। यदि मन एकाग्र न हो, स्थिर न हो, तो भोग में आनंद का आभास नहीं होगा। चंचल मन में कभी आनंद का आभास नहीं होगा, कभी आनंद की अनुभूति होगी ही नहीं। इच्छित भोग मिल जाता है तो उसमें मन उसमें डूब गया, जब तक भोग नहीं मिला था तब तक मन उसको चिंतन कर रहा था, चंचल बना हुआ था, भटक रहा था। इच्छित भोग मिल गया, जब इच्छित भोग मिल गया तो मन की जो चंचलता है, मन का जो भटका है वो खत्म, इसलिए लगता है कि अब भोग में आनंद आ रहा है, जबकि आनंद आ रहा है एकाग्रता है। यदि उसमें आनंद रहता तो हर समय होता। किसी व्यक्ति का पुत्र मर गया, उससे मन बड़ा बेचैन है। किसी व्यक्ति का भयंकर अपमान हो गया हो, भरी सभा में एकदम भयंकर अपमान हो गया हो, और किसी व्यक्ति को व्यापार में भयंकर घाटा हो गया हो, अब इस सत्य पुत्र मर गया हो, भयंकर अपमान हुआ हो भरी सभा में, बहुत बड़ी हानि होगी, बड़ा घाटा हो गया हो, इससे चित्त उद्विग्न है तो उस उद्विग्न चित्त में क्या उसे काम भोग में आनंद आएगा? क्या उसे सिनेमा देखने में, मिठाई खाने में आनंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि चित्त उद्विग्न है, अशांत है, इसलिए आनंद नहीं आएगा। भोग में आनंद आता तो हर समय आनंद आता। जिस व्यक्ति का पुत्र मर गया हो उसे आग के पास ले जाओ, गर्मी लगेगी लगेगी, ऐसा नहीं है कि अब पुत्र मर गया है तो आग में गर्मी नहीं है।
भयंकर अपमान हो गया, भयंकर घाटा हो गया, उसे आग में गर्मी नहीं लगी, ऐसा नहीं लगेगी, लगेगी का स्वभाव है वैसे के। उसे पानी से नहलाओ ठंडा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो सबके लिए है। ऐसे भोग में आनंद होता तो हर स्थिति में आनंद होता, लेकिन ऐसा कहां होता है, एक आभास है। और संत यही कहते हैं कि भोग में आनंद नहीं है, आनंद त्याग में है। और त्याग का आनंद हर समय मौजूद, चाहे पुत्र मरा हो, चाहे घाटा हुआ हो, चाहे नुकसान हुआ, त्याग में है। मन शांत कहीं है ही नहीं, संयम है, तो उसमें उसका आनंद घटेगा कहते हैं। तो असली आनंद तो त्याग में है। संसारियों को लगता है कि महात्मा तो झूठ कह रहे हैं, त्याग में कहां आनंद, जहां कुछ है ये नहीं पास में, त्याग में तो बड़ा क्लेश, हमारे पास ये चीज है, वो चीज है, वो चीज है, और हम बड़े सुखी हैं, बड़े आनंदित हैं। महात्मा लोग कुछ नहीं, झोपड़ी में रह रहे हैं, खाने के भी नहीं ठिकाना, पहनने भी ठिकाना नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आदमी केवल बाहर की स्थिति को देखता है, क्योंकि दृष्टि ही बहिर्मुख है, बाहर की स्थिति को देखता है, इसलिए उस सुख को बाहर की सुविधा असुविधा से जोड़ देता है, जबकि सुख और शांति बाहर सुविधा असुविधा पर निर्भर नहीं है। वो मन की एकाग्रता, सही समझ और त्याग पर निर्भर है। जितना मन निष्काम होगा, जितना मन अनासक्त होगा, विवेक में डूबा हुआ होगा, उतना ही मन शांत रहेगा, उतना मन सुखी और प्रसन्न रहेगा, उतने ही जीवन में गहरी शांति रहेगी। अब भोगी आदमी ऐसा नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। कामना में डूबा हुआ व्यक्ति, उसे कुछ भी मिल जाए, वो सुखी नहीं हो सकता। तब तो कामना की पूर्ति होगी तो तृष्णा बढ़ेगी, सुख कैसे होगा। मान लो कामना की पूर्ति है, मेरे मन में चाहना है मुझे 1,00,000 रुपया मिल जाए, ठीक। तो 1,00,000 रुपया मुझे मिल जाए तो मुझे, मेरा मन बड़ा आनंदित हो जाएगा, बड़ी कामना है मेरे मन में 1,00,000 रुपया पाने की। लेकिन अबे देखो, स्थिति ऐसी बनी, ऐसा संयोग बना कि मुझे 1,00,000 रुपया मिल गया, मेरी कामना पूरी हो गई, तो मेरे मन में बड़ा आनंद होना चाहिए। अरे मेरी कामना पूरी हो गई, मैं तो 1,00,000 रुपया मुझे मिल गया, ठीक। लेकिन ये थोड़ा ये देखो, हम लोग यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सबको 1,00,000 रुपया मिल गया, तो फिर अब 1,00,000 रुपया मिलने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि सबके 1,00,000 रुपया सब सब बराबर हो गए। मुझे 1,00,000 रुपये मिले, दूसरे किसी पास 1,000 हो, किसी पास कुछ भी ना हो, तब आनंद आएगा। रुपये का आनंद तब होगा जब दूसरे लोग रहे गरीब और मैं रहूं धनी, तब धन में आनंद होगा। सबके सब धनवान हो गए तो कहां आनंद आएगा। बताऊंगा किसी को मेरे पास 1,00,000 रुपया है, वो कह तुम्हारे तेरे पास, तुम मेरे पास भी तो है, तो आनंद नहीं आएगा। फिर आनंद तब आएगा, क्या करें साहब, वाह साहब आपका 1,00,000 रुपया, हमारे पास 1,000 भर नहीं, तब आनंद, वाह मैं सबसे बड़ा आदमी। ये सुख ऐसा है, ये सातिशयता का सुख है, यहां निरतिशयता है ही नहीं। मैं बड़ा विद्वान बन गया, खूब विद्वान, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन कब आनंद आएगा, जब दूसरे लोग बुद्धू रहेंगे ना, मूर्ख रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तब आनंद आएगा। और सब सब विद्वान बन जाए तो विद्वता के झाड़ूगा कहां पर, मैं सुख कैसे मिलेगा वो इसमें।
तो ये मामला ही ऐसा होता है। ये जो कामना की पूर्ति है इसमें आनंद नहीं है, इसमें तृष्णा बढ़ती है। और तब जब अन्य लोगों की कामना की पूर्ति ना हो, कई बार ऐसा देखा जाता है, साधुओं को देख ले, साधु लोग जाते हैं, महात्मा संत जाते हैं, पूजा होती है, पूजा हो रही है, भक्तों के भक्त लोग पूजा करते हैं, उसमें भर लो देते हैं भाई कि उनके एक मान्यता है कि ये जूनियर है, ये सीनियर है, थोड़ा सा और बैटरी ढह देता है। भक्त लोग पूजा पूजा करते करते आए, सबको 20-20 रुपया भक्त लोग दे रहे हैं, मुझे दे दिए 50 रुपया, वाह देता हूँ, अरे मुझे 50 रुपया, मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया क्योंकि मैं बड़ा हूँ, उनको 20-20 रुपया मिला और मुझे 50 रुपया मिला, मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया। लेकिन देखा बगल वाला 100 रुपया मिल गया, बस घट गया आनंद तुरंत के तुरंत, ये तो 100 रुपया मुझे तो छोटा मान लिया गया, ऐसी स्थिति होती है। तो ये कामना की पूर्ति में, ये बाहर की स्थिति में, भोग में, ये भी तो भोग है ना, 50 रुपये पूजा में मिल गए एक भोग ही तो हुआ, 1,00,000 रुपये मिल गए भोग ही तो हुआ, इसमें सुख कहाँ है? सुख त्याग में है, निष्कामता में है, अनासक्ति में है। लेकिन ये बात सुनने में लगती है झूठ। संतारी व्यक्ति से समझ ही नहीं सकता, भोगी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। लेकिन साहब कहते हैं जब वैसे निष्काम बन जाओ, अनासक्त तो हो जाओ, अपने चित्त को, अपने मन को प्राणी और पदार्थों से ऊपर उठा लो, भौतिक धरातल से अपने मन को ऊपर उठा लो, ज्ञान और विवेक के धरातल पर मन को ले जाओ, चेतना की धरातल पर, आत्म धरातल पर अपने मन को ले जाओ, अब उस स्थिति में रह करके देखो, तब पता चलेगा कि संत महात्मा जो कहते हैं वही हकीकत है। और हम जो अब तक समझते रहे भ्रम में जी रहे थे, आभास में जी रहे थे, जिंदगी भर तो आदमी भ्रम में जी रहा है, आभास में जी रहा है। अब ये भ्रम कभी टूटता नहीं, मोह का ऐसा मूर्छा है, ऐसा घना आवरण है, कुहासा है, ऐसा अंधकार है कि ठोकर पर ठोकर खाता है आदमी। अप्री का वियोग हुआ, प्री का संयोग, प्री का वियोग हुआ, प्री का संयोग हुआ, धन की हानि हुई, अपमान हुआ और अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आई, लेकिन मोह का आवरण दूर नहीं होता है, बहुत घनीभूत आवरण है, बड़ा घना अंधेरा है। इसलिए ठोकर पर ठोकर खाते हुए भी आदमी सच्चाई को समझ नहीं पाता है। सच्चाई तो तब समझ में आएगी जब ये मोह का आवरण टूटे, भ्रम का जो कुहासा छाया हुआ है ये दूर हो। अब भ्रम का कुहासा छाया रहेगा, प्रकाश भेदेगा ही नहीं अंदर। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि संतों कहो तो को पति आई, झूठ कहत सांच बनी आई। ए संतों, अपनी बात में कहता हूं, साधना अनुभव की बात कहता हूं, या संत लोग कहते हैं तो उस पर विश्वास कौन करेगा? आत्मस्थिति की बात, स्वरूप स्थिति की बात संत कहें और कहते हैं तो कितने तो मजाक उड़ाते हैं, अरे कल्पना की बात कह रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं, सुने ही नहीं कभी। तो जब सुने ही नहीं है, अचानक सुनेंगे तो झूठ तो झूठी बात लगेगी लगेगी। लेकिन वैसी रहनी में जब चले, साधना में जब चले, तब बात सही उतरती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो साधना का मजाक उड़ाते,
थे, लेकिन धीरे धीरे वे सत्संग में आते रहे, मन बदला और खुद उस साधना में लग गए और तब उन्होंने अनुभव कर लिया। तो कोई भी कर सकता है। और जब तक हम इस स्थिति में गुजरेंगे नहीं, तब तक बात हमारे समझ में आएगी ही नहीं। दूसरे का अनुभव हमारा अपना अनुभव नहीं बन सकता। दूसरे के अनुभव से हमें प्रेरणा मिल सकती है। संतारी स्थिति में ही देख लें, एक आदमी गुड़ खा ले तो उसके स्वाद का अनुभव दूसरा आदमी कैसे जान सकेगा? वो कहता, भैया कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा, मीठा लगा। अरे क्या पूछना, इतना सुंदर स्वाद है, ऐसी बढ़िया मिठास है, बड़ा आनंद आया। तो दूसरा समझेगा कैसे? हमने तो ये कहा है कि कहे कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिया। गुंगा ने गुड़ खाया, पूछे क्या कहोगे। लेकिन गुंगा ना हो, बोलने वाला आदमी ही, वो क्या कहेगा? बड़ा बढ़िया मीठा लगा, बहुत सुंदर स्वाद है, इतना ही तो कहेगा। तो उससे हमारे मन में स्वाद का अनुभव तो नहीं होगा। उसे प्रेरणा दे सकती भी, जैसे देखूं तो लाओ तो मैं भी देखूं कैसा मीठा लगता है, कैसा आनंद आता है, और उसकी बात सुन करके मैं भी गुड़ खा लिया तो अब मुझे अनुभव हो गया। वो सामने वाला व्यक्ति बताए या न बताए, मुझे अनुभव हो गया। खाया तब अनुभव हुआ। कितना पुस्तक पढ़ लूं अब कितना प्रवचन सुन लूं, अनुभव नहीं होगा। वो केवल जानकारी होगी। कहना सुनना एक प्रेरणा देने के लिए होता है। कहते हैं महात्मा लोग, कहते हैं और लिखते हैं तो अपने अनुभव को बताते हैं, तो उससे मन में एक जागृति आती है, प्रेरणा आती है। नहीं भी ऐसे स्थिति में मैं भी दुखी हूं, लिखिए महात्मा लोग, मुझे इस रहनी में रहना चाहिए, एक प्रेरणा चलती है। और फिर हम उस स्थिति में रहना शुरू कर, वैसा मेहनत करना शुरू कर दें। बस जब वहां पहुंच जाएंगे तो हमारा भी वही अनुभव हो जाएगा। और उस दिशा में पहुंचे बिना हम अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। भले पढ़ करके हम ऐसे उसका व्याख्यान दे लें, ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, लेकिन व्याख्यान देने से, सुनने से, पढ़ने से वो अनुभव नहीं आएगा। कितना हो जाएगा? प्रयोग में तो उतरना होगा। कोई पाक शास्त्र की पुस्तक पढ़ ले कि अमुक चीज ऐसे बनाई जाती है, ऐसी बनाई जाती है, और कोई प्रयोग ना करे और बनाने के कहते चलो भैया बनाओ, तो बना थोड़े पाएगा। वैसा एक बार पढ़कर बना भी नहीं पाएगा। दो बार चार बार बनाएगा, गलती होगी, बिगड़ेगी चीज, फिर तब धीरे धीरे अच्छा बना लेगा। तो खास बात है प्रयोग। संत प्रयोग करके कहते हैं और हम प्रयोग में उतरना नहीं चाहते। चाहे व्यवहार में जो सहनशीलता की बात, विवाद से बचने की बात, गम खाने की बात महात्मा कहते हैं, क्षमा करने की बात कहते हैं, चुप रहने शांत रहने की बात कहते हैं, क्योंकि वो प्रयोग कर चुके हैं, ये बात ही समझ में नहीं आती। हम समझते हैं कि चुप रहने वाला, गम खाने वाला कमजोर होता है, उसे छोटा मानेंगे, उसे और दबाएंगे, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता है। कहीं अपवाद इसका हो सकता है। समानता यही है कि जो सहन कर लेता है, गम खा लेता है, वह दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है।
और सामने वाला व्यक्ति को भी ये लगता है कि मैं कर रहा हूं गलत, फिर अपने गलत काम को वो करना छोड़ देता है। ऐसे फिर साधना की स्वरूप स्थिति की बात है, ध्यान वैराग की बात है, वो भी सुनने में लगती है गलत, लेकिन जब आदमी भोग से हटकर योग की तरफ चलता है, जितना जितना अपने मन को भोग से हटाता जाता है और योग में साधना लगाता जाता है, उतना उतना ही उसे अपने भ्रम समझ में आता जाता है और उसे लगता है कि अरे मैं जो मजाक उड़ा रहा था, संतों को गलत समझ रहा था, वे गलत नहीं थे, मैं ही गलत हूं, अपनी समझ पर उसे अफसोस होता है। अगर पूरी स्थिति में पहुंच जाता है तब लगा कि नहीं सच यही है, फिर तो उस स्थिति में वो जीता ही जीता है। संतों कहो तो कोपति आई, झूठ कह साज बनिया, चतुर कबीर कहते हैं संतों, साधना अनुभव की बात, जीवन प्रयोग की बात, जीवन जीने की जो सही स्थिति की बात मैं कहता हूं या संत महात्मा कहते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोगों को देखो ज्यादातर कहने पर विश्वास है, प्रयोग पर विश्वास नहीं है। और जो खाली कहने और पढ़ने पर विश्वास करेगा, प्रयोग में उतरेगा नहीं, उसे बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कभी देखा नहीं वैसा हो तो लगे कि खाली लिख दिया गया है, और जब प्रयोग करने लग जाता है और प्रयोग से जब उसकी सिद्धि हो जाती है तब कहते नहीं भी जो लिखा गया है गलत नहीं लिखा गया, ऐसा होता है, ऐसी घटना घटती है, तब वो उसे मान लेता है और मान करके फिर उस स्थिति में जीता है। इसलिए हम लोग जो सुनते हैं संतों से साधना की, विवेक की, वैराग की बात, ध्यान समाधि की बात, आत्मस्थिति या स्वरूप स्थिति की बात, हम आराम से स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम भी वैसा प्रयोग करें और प्रयोग करेंगे तो सत्य हमारे सामने उपलब्ध, हमारे सामने उजागर हो जाएगा, फिर उस सत्य को हम जब जीवन में जिएंगे तो हमारी भी स्थिति वैसी होगी जैसे उस संत की स्थिति होती है, और फिर हम परम शांति परमानंद का अनुभव कर सकेंगे।